तो अगर आप अपने वीडियोस के लिए या फिर लाइव स्ट्रीम के लिए थंबनेल बनाना चाहते हो फोटोशॉप पे, बट आपको फोटोशॉप पे थंबनेल बनाना नहीं आता है, फोटोशॉप चलाना आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो ये वीडियो में आप लोगों को एकदम आसान सा तरीका बताऊंगा कैसे आप लोग फोटोशॉप को यूज करके बढ़िया सा दिखने वाला, प्रोफेशनल सा दिखने वाला, डिसेंट सा दिखने वाला, क्लीन सा दिखने वाला, नीट सा दिखने वाला थंबनेल बना सकते हो और बड़े आसानी से बड़े कम समय में। तो चलो फटाक से शुरू करते हैं, इससे ज्यादा क्या ही बताऊं, मतलब वैसे भी आप लोग फॉरवर्ड कर ही दोगे इंट्रो पार्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन करना है और वहां पे आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, डायमेंशन आपको देना है 1280x720, रिजोल्यूशन 300 रख सकते हो आप लोग और ये चीज ऐसे रख सकते हो। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। ब्लैंक कैनवास हमारे सामने तैयार है। अब एक थंबनेल बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, एक बैकग्राउंड चाहिए। उसके बाद अगर आप आपकी फोटो ऐड करना चाहते हो तो, या फिर आप गेम के कैरेक्टर की फोटो ऐड करना चाहते हो तो वो जो भी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये या तो आपको आपकी फोटो चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए और टेक्स्ट चाहिए, बस तीन चीज खत्म। अच्छा थंबनेल बनके तैयार, कैसे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहली बात तो अपने एक फोल्डर में जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो ऐड करके रख दिया है। उसके बाद बैकग्राउंड के लिए ये इमेज मैं यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा फटाक से और हमारा जो बैकग्राउंड इमेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड करने के बाद में आपको ऐसा एक ऑप्शन दिख जाएगा। अगर वो नहीं दिख रहा है आपको तो आप लोग क्या करो, जो भी लेयर आपने ऐड किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, ऐसे एक बार क्लिक करके वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में अपने कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के रखो और टी दबाओ, कंट्रोल प्लस टी, तो आपके सामने ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे बड़े छोटा करने के लिए। तो इसको आप लोग ऐसे खींच तान के अपने स्क्रीन के हिसाब से जैसे भी आपको एडजस्ट करना है वैसे आप लोग पूरे कैनवस पे अपने बैकग्राउंड इमेज को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इमेज को कुछ इतना एडजस्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे समझ लो ये पार्ट लेना चाहता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे इतना पे एडजस्ट कर दूंगा मैं, ओके कर दूंगा, बाहर क्लिक कर दूंगा या फिर आप एंटर पे भी क्लिक कर सकते हो। बाहर क्लिक कर दो, हो गया, बैकग्राउंड ऐड कर दिया। बैकग्राउंड को सबसे पहले अब ऐसा बैकग्राउंड रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो उठ के नहीं दिखेगा, ना हमारी फोटो अच्छी दिखेगी उठ के दिखेगी, तो वो थंबनेल वैसे ही हो जाएगा जैसे जिसको थंबनेल बिल्कुल भी बनाना नहीं आता तो उसका थंबनेल वैसे ही दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं करना है हमको, हमको ये बैकग्राउंड को जो है थोड़ा सा ब्लर करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको जो भी हमने अभी बैकग्राउंड इमेज ऐड किया उसको एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऊपर आएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है, इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे गॉसियन ब्लर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लर हो जाएगा बैकग्राउंड। अब ब्लर यहाँ पे आप लोग इसको ब्लर को कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं 7-8 रख देता हूँ, यहाँ पे 8 रख देता हूँ मैं, ठीक है 8 रख दूंगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसका, अगर आपका जो बैकग्राउंड है उसमें ज्यादा लाइट वगैरह आ रही है और उसको थोड़ा सा डार्क करना है आपको ताकि टेक्स्ट जो भी हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा उठ के दिखे, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज जो ऐड किया उसको एक बार क्लिक करो, मतलब सिलेक्ट करो। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आओगे तो ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आके आप लोग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट या फिर एक्सपोजर पे जा सकते हो। एक्सपोजर पे जाओगे तो एक्सपोजर को कम कर देना या फिर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे जाओ, इजी तरीका है। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे जाओ और अपने बैकग्राउंड इमेज के ब्राइटनेस को थोड़ा कम करो तो वो डार्क हो जाएगी थोड़ी सी इमेज। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, ब्राइटनेस को थोड़ा डिक्रीज कर सकते हो, सो दैट बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डार्क हो जाए ताकि हमारा टेक्स्ट और फोटो जो भी हम ऐड करेंगे वो थोड़ा उठ के दिखे, ठीक है। तो ये चीज हमने अपने हिसाब से कर लिया, आप भी स्वाद अनुसार अपने अनुसार उसको कर लो एडजस्ट। इतना हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद में बारी आती है अपनी फोटो ऐड करना या फिर आपको कोई भी गेम कैरेक्टर ऐड करना है तो वो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक अपनी फोटो ऐड करके बता देता हूँ, समझ लो ये फोटो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखी, ये फोटो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मेरी एक सिंपल सी फोटो है यहाँ पे जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले क्लिक किया, तो ये फोटो समझ लो मुझे ऐड करना है। अब इसका सबसे पहले तो हमको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, तो वो कैसे करना है बहुत ही सिंपल है। फोटो यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है, ये लेयर जो है वो सिलेक्टेड है यहाँ पे फोटो वाली। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन पे आना है, ये वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, इसको क्विक सिलेक्शन टूल कहते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये करने से पहले इतना ध्यान रखो कि आपने अपनी फोटो को सिलेक्ट करके रखा है जिसमें आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ऑटोमेटिक एक सिलेक्शन जो है वो बन चुका है मेरे इर्द गिर्द, मेरे आजू बाजू, बट यहाँ पे वो सिलेक्शन एकदम प्रॉपर नहीं होता है तो उसको हमको प्रॉपर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको अगर आप लोग थोड़ा जूम करोगे, अल्ट की को प्रेस करो अपने कीबोर्ड में, प्रेस करके रखो अल्ट की को, और अपने माउस में जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको आगे पीछे करोगे तो आप लोग इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो आगे पीछे करके, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आपको जूम करना है यहाँ पे और जो अभी समझ लो ये पार्ट को मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो ऊपर ऐड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी पार्ट को ऐड कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। कर्सर को मतलब अपने अपनी लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखो और यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे बाहर का पार्ट सिलेक्ट हो गया तो हमको यहाँ पे उसको अगर नहीं सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे सिंपल से ऐसे कर्सर को घुमाना है सो दैट वो
बाहर का पार्ट जो है वो डिसिलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप लोग इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, जो जो सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन है कर्सर जो है उसको बड़ा छोटा भी आप लोग कर सकते हो। वो करने के लिए आप लोग अपने कीबोर्ड में ये की को प्रेस कर सकते हो, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ये वाली की। इसको आप लोग प्रेस करोगे, क्लिक क्लिक करोगे तो बड़ा होगा, और उसके अपोजिट साइड वाली क्लिक क्लिक करोगे तो छोटा होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो आप लोग एकदम प्रॉपरली करने के लिए जूम इन कर सकते हो जितना जूम करना है, और यहाँ पे जो भी पार्ट ऐड करना है उसके ऊपर बस ऐसे क्लिक क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेगा जो भी पार्ट आपको ऐड करना है। अब जैसे ये पार्ट को भी हमको ऐड करना है तो यहाँ पे भी हम लोग इसे कर्सर को घुमा देंगे क्लिक करके, सो दैट वो पार्ट भी सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद ये बीच का पार्ट हमको नहीं चाहिए तो वो करेक्ट है, वो डिसिलेक्टेड है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सिलेक्शन कर लेना है, मैं फटाक से कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली सिलेक्शन कर लिया है एकदम फटाफट। तो जैसे आपने अपना सिलेक्शन कर लिया अपने हिसाब से, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको बस एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लोग उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ चुका है। तो अगर आपको ऐसे ये ऐड लेयर मास्क करने के बाद में अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है जो एक्स्ट्रा आ चुका है, तो उसको भी आप लोग रिमूव कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे जो आपका ये वाला ऐसा ऑप्शन आपको ऐड हुआ है लेयर मास्क वाला, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वो सिलेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ब्लैक कलर, सो दैट वो रिमूव करे। कोई भी पार्ट रिमूव करने के लिए ब्लैक कलर आपको सिलेक्ट करना है, और कोई भी पार्ट को अगर वापस से जो ज्यादा ही रिमूव हो गया अगर उसको वापस से अपीयर करवाना है तो व्हाइट कलर आपको सिलेक्ट करना है। तो मुझे ये पार्ट रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं ब्रश वाला ऑप्शन जो होता है उसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद में ये भी काफी बड़ा है, उसके साइज को आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, हार्डनेस को यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो फिलहाल मैं हार्डनेस को यहाँ पे ऊपर 100% कर देता हूँ, और साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सो दैट हम लोग यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है उतनी साइज को रखें। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक करके ब्रश को घुमाएंगे तो आप लोग देख सकते हो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है वो रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो लेयर मास्क अप्लाई करने के बाद में उसको आप लोग रिमूव कर सकते हो। वैसे अगर आप लोग को ये स्टेप तो नहीं करना पड़ेगा अगर आप लोग प्रॉपरली वहाँ पे सिलेक्शन करोगे और लेयर मास्क को अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई दे रही थी उसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। जैसे आपने इतना काम कर लिया उसके बाद में आप लोग ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मूव टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग अपनी इमेज को जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पे ले जा सकते हो, और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और अपनी फोटो को आप लोग ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस टी करोगे तो इसको आप लोग बड़ा छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आप लोग करना चाहते हो। यहाँ पे मैं अपने थंबनेल्स में ऐसे रखता हूँ, और इसको आप लोग चाहो तो ऐसे बाहर कर्सर ले जाओगे ना अपने इसके थोड़ा सा बाहर, तो आप लोग इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, अगर आपको टिल्ट वगैरह उसको करना है थोड़ा सा तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो समझ लो मैं ऐसा रखना चाहता हूँ अपने इस इमेज को कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम लोग और ऐसा रखेंगे बस, ठीक है। तो इतना कर दिया हम लोग, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो ऐड हो चुकी है जैसी भी हमको ऐड करनी थी। तो अब बारी आती है यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने की। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग कर्सर ले जाओ और यहाँ पे क्लिक करो। आप लोग क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जो होता है उसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपने कैनवस में आके एक बार क्लिक करोगे आप लोग तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट टाइप करने का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इजी, ठीक है, इजी लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं बाहर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद में आप लोग को अगर और भी टेक्स्ट ऐड करना है तो इसका आप लोग डुप्लीकेट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्शन टूल वाले पे, और यहाँ पे आने के बाद में सिलेक्शन टूल नहीं, इसको कहते हैं मूव टूल, ठीक है ना, मूव टूल कहते हैं। मूव टूल पे आओ और उसके बाद में यहाँ पे अल्ट की को प्रेस करके रखो। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपने ऐड किया उसको एक बार क्लिक करो और ऐसे क्लिक करके रखो और नीचे ड्रैग करो तो उसका डुप्लीकेट जो है वो हो जाएगा। तो फिर आप लोग जो भी ऐड करना चाहते हो वो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इजी TUTORIAL, इजी ट्यूटोरियल, है ना, एक्चुअली इजी थंबनेल ट्यूटोरियल ऐड करना है हमको। तो यहाँ पे मैं एक और कॉपी बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा थंबनेल TUMBNAIL, इजी थंबनेल ट्यूटोरियल, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो इन टेक्स्ट को आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करना है तो आप लोग बस यहाँ पे इसको डबल क्लिक करो, या फिर आप लोग सिंपली डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जो हमारा टाइप टूल वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे आओ, इसको सिलेक्ट करके रखो, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे आप लोग फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखो आप लोग जो भी फॉन्ट यूज कर रहे हो वो थोड़ा हैवी फॉन्ट हो, मोटा मोटा सा फॉन्ट हो, बोल्ड फॉन्ट यूज करो, क्योंकि ताकि वो फॉन्ट जो भी आप लिख रहे हो, जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो, वो अच्छे से थंबनेल पे दिखाई दे, मोबाइल पे भी कोई देखे आपका थंबनेल तो वो अच्छे से दिखाई दे। तो बोल्ड फॉन्ट आपको लेना है, अच्छा भारी भारी सा फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट को एडजस्ट कर दिया है अपने हिसाब से, फिलहाल एडजस्ट नहीं किया, इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो इजी को थोड़ा बड़ा करेंगे, थंबनेल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से,
से। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस टी करके उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे एक बार क्लिक कर रहा हूँ उस ऑप्शन को और उसके बाद कंट्रोल प्लस टी कर रहा हूँ तो बड़ा छोटा ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो अच्छे से तो आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आपने जितने भी टेक्स्ट ऐड किए उनको सिलेक्ट करो। कैसे करना है, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है अपने कीबोर्ड में और जितने भी अलग अलग टेक्स्ट आपने ऐड किए उनको एक एक करके क्लिक करना है सो दैट वो मल्टीपल जो टेक्स्ट है वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। इतना आपने कर लिया उसके बाद में आप ध्यान रखो कि यहाँ पे आपका ये मूव टूल वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है सो दैट फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर सारे टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन रहे, तो यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे जो टेक्स्ट है तीनों वो एकदम अच्छे से सेंटर अलाइन हो जाएंगे प्रॉपरली। अब यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपके टेक्स्ट ऐसे अलाइन हो जाएंगे, ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो ऐसे, ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो ऐसे, है ना। तो यहाँ पे मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ कुछ इस प्रकार से। इतना कर लिया उसके बाद में यहाँ पे जो तीनों टेक्स्ट है हमारे ये सिलेक्टेड है, मैं कंट्रोल प्लस जी प्रेस करूंगा तो वो तीनों टेक्स्ट जो है वो एक ग्रुप में मतलब एक फोल्डर में आ जाएंगे सो दैट अगर हमको कुछ भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है टेक्स्ट में तो हमको पता रहे वो टेक्स्ट कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप वन है तो इसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट हो जाएगा, इसको आप लोग नाम दे सकते हो फिर। तो यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट का यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेक्स्ट ताकि मुझे पता रहे कि ये टेक्स्ट का ग्रुप है। ठीक है, इतना कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद ये ग्रुप को सिलेक्ट करके भी आप कंट्रोल प्लस टी करोगे तो इसको आप लोग एडजस्ट वगैरह कर सकते हो साइज को। ठीक है, तो मैं इतना ही रहने दूंगा। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करना तो आप लोग सिंपल यहाँ पे मूव टूल वाले पे सिलेक्टेड है, मैं इसको कोई भी टेक्स्ट को डबल क्लिक करूंगा तो वो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर कलर का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हो और आपको जो भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे समझ लो मैं ये कलर चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये कलर सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा तो वो कलर का जो ये टेक्स्ट है वो हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को ये थंबनेल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है, इन टेक्स्ट को थोड़ा सा टिल्ट वगैरह घुमाना फिराना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फोल्डर में पूरा डाल के रखा है ग्रुप में पूरे टेक्स्ट को, तो यहाँ पे हम उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस टी करेंगे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे टिल्ट भी कर सकते हैं जितना भी टिल्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप स्वाद अनुसार इसको टिल्ट कर लो कुछ इस प्रकार से और उसको एडजस्ट कर दो जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे उसको एडजस्ट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा इजी थंबनेल ट्यूटोरियल। अब इसको अगर आपको ड्रॉप शेडो देना है तो वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपको नाम पे नहीं थोड़ा सा साइड में हो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे अगर आप लोग तो ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा लेयर स्टाइल का। तो यहाँ पे आपको नीचे ड्रॉप शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको टिक कर दो तो उसके नीचे जो है टेक्स्ट के नीचे ड्रॉप शेडो आ जाएगा और यहाँ पे ड्रॉप शेडो को आप लोग एक बार क्लिक कर लो ऐसे कुछ यहाँ पे, उसके बाद ड्रॉप शेडो की सारी सेटिंग आ जाएगी। इसको आप लोग अपने हिसाब से ड्रॉप शेडो को कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से स्प्रेड डिस्टेंस इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको 40 पे रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार उसको भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर आप लोग अपनी खुद की फोटो की जगह पे अगर कोई गेम कैरेक्टर भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी बहुत सिंपल है। तो जैसे मैंने अपनी फोटो ऐड किया वैसे गेम कैरेक्टर को भी आप लोग ऐड कर सकते हो। कोई भी कैरेक्टर वगैरह जो भी इमेज आपको ऐड करना है उसको ऐड करो, उसके बाद में उसको ऐड करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, अपने आप यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अपने आप सिलेक्शन बन जाएगा उसको प्रॉपरली आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे अप्लाई लेयर मास्क वाला ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में यहाँ पे आपको मूव टूल को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में इस इमेज को भी आप लोग मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज को फिलहाल के लिए यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे ये आ चुका है हमारा कैरेक्टर का इमेज, उसको भी हम लोग सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे बड़ा छोटा करने के लिए, अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर लेंगे। और कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कोई गेम के कैरेक्टर को भी रख के अपना थंबनेल बना सकते हो, जरूरी नहीं आप अपना खुद का मुंह डालो, बट यहाँ पे मैं खुद का मुंह डालना ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो गेमिंग कैरेक्टर को हटाऊंगा और अपने कैरेक्टर को यहाँ पे ला दूंगा, मतलब अपना चेहरा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट ऐड कर दिया, अपनी खुद की फोटो ऐड कर दिया। अगर और कुछ आपको ऐड करना है जिसके बारे में आप ट्यूटोरियल बना रहे हो या फिर जिसके बारे में आप वीडियो बना रहे हो या फिर जिसके बारे में आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो वो करने के लिए आप लोग यहाँ पे सिंपल सा एक अपना जो उसका कुछ भी इमेज वगैरह ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो। जैसे ये थंबनेल ट्यूटोरियल मैं फोटोशॉप पे बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप का एक लोगो जो है वो ऐड कर दिया है और इसको मैं यहाँ पे कहीं कोने में रख दूंगा या फिर मैं यहाँ पे भी ला के रख सकता हूँ। तो यहाँ पे कोने में ठीक लगेगा ये, तो यहाँ पे कोने में रख दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक छोटा सा एरो भी ऐड कर सकता हूँ ताकि वो थोड़ा सा और अच्छा दिखे। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने ब्राउजर ओपन कर लूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा AROW PNG। ठीक है, एक एरो PNG हम लोग सर्च कर लेंगे और यहाँ पे इमेजेस सेक्शन पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे कोई भी एरो का PNG जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे ये वाला एरो की इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सीधे कॉपी इमेज कर लेता हूँ मैं। कॉपी इमेज करके यहाँ पे सीधे फोटोशॉप में आके कंट्रोल प्लस V दबाऊंगा तो वो पेस्ट हो जाएगी इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे वो PNG नहीं है क्योंकि हमने कॉपी किया है उसको, तो वो डायरेक्ट आ चुकी है बैकग्राउंड के साथ में, बट बैकग्राउंड रिमूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, इमेज सिलेक्टेड है। यहाँ पे वही अपना जो क्विक सिलेक्शन टूल है उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करो, अपना जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद में लेयर मास्क को अप्लाई कर दो, खत्म, बैकग्राउंड रिमूव। उसके बाद में इस एरो को आप लोग अपने हिसाब से
यहाँ पे साइज को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, अपने हिसाब से एरो को एडजस्ट कर सकते हो और कुछ इस प्रकार से आप लोग उसको रख सकते हो। अगर आपके एरो का या फिर किसी भी चीज का कलर आपको चेंज करना है, जैसे इस एरो को अगर मुझे व्हाइट कलर में करना है या फिर इस ग्रीन कलर में करना है, तो यहाँ पे उस लेयर को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उस लेयर को आपको सिलेक्ट करना है जो एरो वाली इमेज का, मतलब जो भी इमेज का आपको कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करना है उसको, यहाँ पे साइड में ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे कलर ओवरले का एक ऑप्शन है, उसको यहाँ पे टिक कर देना है और उसके बाद में आपको जो भी कलर यहाँ पे ऐड करना है वो कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कहाँ पे ऐड करना है, तो कलर ओवरले वाले ऑप्शन पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद में आपको कलर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी कलर आपको करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अच्छा वाला जो कलर मुझे चाहिए था वो कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो ठीक है, यहाँ पे ओके कर दूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे इतना हो गया है। अब चाहो तो आप अपने खुद की इमेज के बैकग्राउंड को भी ड्रॉप शैडो दे सकते हो, ताकि आपकी जो इमेज है वो भी थोड़ी उठ के दिखाई दे। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग डबल क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे ड्रॉप शैडो को टिक कर देंगे, हमारे इमेज के पीछे भी एक ड्रॉप शैडो जो है वो आ जाएगी। इसकी साइज को भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझने में मुझे एक चीज की कमी लग रही है, फोटोशॉप का लोगो थोड़ा उठ के नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, जो फोटोशॉप का इमेज है उसका जो लेयर है उसकी लेयर पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल जाता है आउटर ग्लो का, उसको सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे आउटर ग्लो आ जाएगा। ग्लो का कलर यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर का चाहिए, मुझे व्हाइट ही चाहिए तो मैं व्हाइट ही रहने दूंगा यहाँ पे आउटर ग्लो को, और साइज को भी आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो इसको अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इसको 18 के आसपास ही रखूंगा या फिर 13 के आसपास रख दूंगा, ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा जो ग्लो है वो ऐड हो चुका है। तो बस इतने आसानी से यार हमारा थंबनेल जो है वो बन के रेडी है। यहाँ पे कुछ भी टफ हमने नहीं किया, कुछ भी बहुत ही हार्ड नहीं किया, बस एकदम आसान सा थंबनेल बन के रेडी है। सेव करने के लिए ऊपर फाइल पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे कर्सर ले जाना है, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, इसके ऊपर आप लोग डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में जो भी आपको नाम देना है अपने थंबनेल का वो नाम दे सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा थंबनेल, वो भी अच्छा वाला। बस थंबनेल का नाम दे दिया, जहां पे भी आपको सेव करना है वो फोल्डर सिलेक्ट कर लो, मैं डाउनलोड में सेव करूंगा, सेव कर दो, आपका थंबनेल जो है वो सेव हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग फोटोशॉप पे थंबनेल्स बना सकते हो बहुत ही आसानी से। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।